और जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि कंट्रोल रूम पूरी जवाबदेही के साथ 24 घंटे चलते हुए दिखाई दें। एक एक सूचना को सही लोगों तक पहुंचाना और उस समस्या का समाधान करना, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस दिशा से आज इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपद जुड़े हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में प्रदेश के अंदर वीडियो कॉल के साथ हमारे सभी 75 के 75 जनपद जुड़ चुके हैं। इससे कार्य में एक तो गति मिलेगी, दूसरा प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना वायरस की आपदा से अपितु किसी भी अन्य प्रकार की आपदा के समय में राहत कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हम सबको हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहना होगा। हम लोग इस बात को मानते रहे हैं कि 21 दिन का ये लॉकडाउन का की कार्रवाई एक बहुत अच्छे परिणाम के साथ उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुरक्षित भविष्य की दृष्टि से एक सफलता अभियान है और इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर तबलीगी जमात के कारण जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं, उनके कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए लोगों की स्थिति को देखते हुए हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भी भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। और इस दिशा से हमारा एक कंट्रोल रूम बहुत बड़ी भूमिका, प्रत्येक नागरिक तक भोजन है, राहत है, दवा है या किसी भी प्रकार की अन्य सहायता की दिशा से एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये पूरे राहत कार्यों की बैकबोन है कंट्रोल रूम। और इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारीगण अपने अपने जनपद के कंट्रोल रूम के लिए एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्त करते हुए 24 घंटे इसकी निगरानी को करते हुए त्वरित गति से इन सभी कार्यक्रमों को, राहत के कार्यों को, क्वारंटाइन वार्ड को, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को, आइसोलेशन वार्ड को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल के बारे में या फिर फूड पैकेट को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा से इस कंट्रोल रूम को बेहतर तरीके से उपयोग करने में सफल होंगे। मैं राजस्व विभाग को, अपर मुख्य सचिव राजस्व को, राहत आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत कम समय में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक वीडियो कॉल के साथ पूरे प्रदेश के 75 जनपदों को जोड़ने का कार्य इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किया है। और मुझे विश्वास है कि इससे हम पूरे प्रदेश के अंदर राहत कार्यों को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और जैसे अभी लॉकडाउन के बाद से उत्तर प्रदेश हर एक कार्य में बहुत अच्छी भूमिका के साथ देश के अंदर है, इसके माध्यम से भी हमें और अच्छी दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और अच्छे परिणाम हम लाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको इस कंट्रोल रूम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के इस कंट्रोल रूम के साथ साथ अपने अपने जनपदों के कंट्रोल रूम को भी बेहतर बना करके राहत कार्यों के साथ अन्य सभी सेवाओं को और बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए नजर आए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है उसको लेकर हम अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केसेस जो है वो कम हो, लेकिन ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनके वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बढ़ी है। पर ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम, वो लोगों की सहायता करेगा और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से लोगों पे नजर रखी जाएगी। और कोशिश ये लगातार की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से कि कोरोना वायरस से किस तरीके से जंग लड़ी जाए और राहत कामों का
बैकबोन कंट्रोल रूम को बांधा जा रहा है, राहत कार्य किया जाएगा, एक एक समय का निस्तारण हो, सीएम योगी ने यह भी कहा है। तो एनएक्सी में सीएम योगी ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। कंट्रोल रूम के उद्घाटन में कई बड़ी बातें करते हुए योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आए हैं। तो कंट्रोल रूम राहत कार्य का बैकबोन बनेगा, तो इस कंट्रोल रूम के जरिए काफी कार्य किए जाएंगे और खास बात यह भी है कि काफी कम दिनों के अंदर इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है। 3 दिनों के अंदर जो तबलीगी जमात की संख्या बढ़ी है उसको लेकर भी बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए और सभी का धन्यवाद भी किया है कि लगातार जो इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और ये भी आश्वासन देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए कि हम हर परिस्थिति में खड़े हैं, एक एक समय का निस्तारण हो। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एक एक समय का निस्तारण हो। लगातार योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में है, लगातार वो जायजा ले रहे हैं और इसी बीच डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। बहुत कम दिनों में इस मैनेजमेंट कंट्रोल रूम को बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के अंदर काफी सारी चीजें होंगी जिसका जायजा वो लगातार लेते रहेंगे और वैसे भी जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है वो लगातार अलर्ट है, अलग अलग जगहों पे जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अलग अलग चीजों के जरिए वो लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हर परिस्थिति में तैयार है लड़ने के लिए और वो लगातार लड़ भी रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से वो पिछले कई दिनों से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अपील भी लगातार वो कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले, और तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। उसी को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया है। कंट्रोल रूम का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। अब इस कंट्रोल रूम के माध्यम से ही लोगों पे नजर रखी जाएगी, तमाम वो चीजें करी जा रही हैं जिसको लेकर एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। सीधा आज चलते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र के पास और वो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए नजर आए, इस मैनेजमेंट कंट्रोल रूम के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी जिससे लोगों की सहायता जो है वो हो सके? बिल्कुल, काफी दिनों से प्रयास चल रहा था कि एकीकृत व्यवस्था की जाए जिससे सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना वायरस के मामले को लेकर, चाहे वो पीड़ित है, चाहे उनकी संख्या बतानी हो, चाहे उनको मेडिकल हेल्थ की सुविधा लेनी हो, चाहे उनको कोई राहत की सामग्री उपलब्ध करवानी हो, सारे मामलों को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो प्रदेश के सभी जिलों से जुड़ा होगा। वहाँ पर जिस तरह की सहायता चाहिए उसके लिए फ़ोन किया जाएगा, वो पूरी मॉनिटरिंग करेगा और जहां पर जैसी आवश्यकता होगी उसकी आपूर्ति भी कराएगा। चाहे वो मरीजों की संख्या बताना हो, या कोई कहीं पीड़ित हो, या किसी को भोजन नहीं मिल रहा हो, या कम्युनिटी किचन में कोई अव्यवस्था हो, या वहां पे संख्या बढ़ रही हो, तो एक तरीके से देखा जाए तो एकीकृत व्यवस्था की गई है कि एक ही प्लेटफार्म पर, एक ही नंबर पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये पूरा मॉनिटर करेगा कंट्रोल रूम, पूरे प्रदेश पर नज़र बना के रखेगा कि कहां से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कौन कौन से लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए। चाहे इसमें राहत आयुक्त को भी जोड़ा गया है, यानी कि लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लोगों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं या खाद्यान्न बांटा जा रहा है, किसी को अगर खाद्यान्न नहीं मिलता है उसको दिक्कत आती है वो भी अपनी सूचना दे सकता है। अगर कोई मरीज है, कोई संक्रमित है या कहीं से उसको आशंका है कि इसमें कोरोना हो सकता है, वो भी अपनी सूचना दे सकता है। ये आप कह सकते हैं कि एक ही सेंटर से पूरा प्रदेश अब गवर्न होगा, उसी से उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चाहे एम्बुलेंस बुलाना हो, चाहे दवा की ज़रूरत हो, चाहे पुलिस की ज़रूरत हो, इस तरीके से देखा जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए एक एकीकृत व्यवस्था की गई है कि एक ही नंबर पर कॉल करके एक ही सेंटर से आपको वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी।
जाएगी। अब तक ये दिक्कत सामने आती थी कि हमें भोजन के लिए किसको फोन करना है, हमें अनाज के लिए फोन किसको करना है, हमें पेंशन के लिए किसको फोन करना है, हमें राहत सामग्री के लिए किसको फोन करना है। अब एक कंट्रोल रूम पे सीधे आप संपर्क कर सकते हैं, कंट्रोल रूम पूरी मॉनिटरिंग करेगा कि जिलों से जो डिमांड आई है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है, कितनी डिमांड है। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय तक चलने के लिए एक सुचारू व्यवस्था को संचालित करने के लिए इस ऐप का उद्घाटन किया है, इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए प्रदेश के हर व्यक्ति से, हर उस विभाग से जुड़ा जा सकता है जो कोरोना महामारी को रोकने के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, तारीफ करनी होगी जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं या मजदूरों के खाता तक पैसे भिजवाने का काम है, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कड़े दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और ऐसे में ये कंट्रोल रूम जो है वो बहुत बड़ा सहायता प्रदान करेगा लोगों के लिए, क्योंकि आपने बताया कि जिस तरीके से कंट्रोल रूम ये कार्य करेगा, और वैसे भी योगी आदित्यनाथ भी अभी कहते हुए नजर आए कि ये राहत कार्यों का बैकबोन है, मतलब एक ही जगह आप कॉल करके जो भी तमाम मुश्किलें आ रही हैं कोरोना वायरस को लेकर उससे आप निपट सकते हैं, तो बैकबोन का काम करेगा कंट्रोल रूम। नरेंद्र आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये कंट्रोल रूम में कितने लोग हैं और कितनों की टीम जो है यहां पर गठित की गई है जो मिलकर ये कार्य को है जो संभाल रही है। देखिए 2400 घंटे चलने वाला है, 24 आवर्स से कंट्रोल रूम चलेगा, इसमें दर्जनों की संख्या में कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, और मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से टीम बनाई गई है। आखिर जो कॉल आएगी, जो सहायता मांगी जाएगी, उसके लिए कितना काम हुआ और कितने समय में सहायता पहुँचाई जाएगी इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हैं और सैकड़ों की संख्या में कॉल रिसीव करने की क्षमता है, उस नंबर पर कॉल करने पर करीब 100 जगह ये फोन उठाए जाएंगे और तुरंत उसका रिस्पांस भी होगा, वो दर्ज किया जाएगा और उसका रिजल्ट कितने समय में दिया गया इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश को एक कड़ी से जोड़ा गया है और खुद इसकी निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, खुद इनकी देखरेख में ये काम होगा और जब ये समीक्षा करेंगे उस दौरान इनको पूरी सूचनाएं एक साथ मिल जाएगी, चाहे वो टीम 11 के साथ बैठक हो, चाहे शाम को जो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जब पीसी करते हैं उस दौरान सारी चीजें इनके पास पूरे प्रदेश का एक आंकड़ा उपलब्ध रहेगा कि इतनी कालें आई और इतनी सहायता प्रदान की गई है, कहां कहां से क्या खामियां आई हैं, कितने कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और कितनी संख्या में पैकेट बांटा गया है, कितना अनाज बांटा गया है और कितने लोगों को मेडिकल की सुविधा दी गई है, कितने लोगों को एम्बुलेंस की मांग की गई है। तो इस तरीके से देखा जाए सैकड़ों की संख्या में कंट्रोल रूम में लोग काम करेंगे और इनकी मॉनिटरिंग के लिए बड़े अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को लगाया गया है जो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े रहेंगे। जी तो बिल्कुल नरेंद्र, और खास बात ये भी है कि खुद सीधा रिकॉर्डिंग की जाएगी, खुद सीधा जो मुख्यमंत्री है वो जायजा भी लेते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। 24/7 कॉलिंग फैसिलिटी की सुविधा आपने बताई जो की बहुत अच्छी बात है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी किसी भी वक्त लोग कॉल करके वहां से सहायता प्रदान कर सकते हैं। नरेंद्र आपसे एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी भी टीमें गठित की गई है क्या जो मौके पे पहुंच चुके, किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो मौके पर टीम पहुंचनी हो तो क्या कुछ ऐसी भी टीमों का इंतजाम किया गया है जो वो टीम मौके पर लोगों के घर तक पहुंच सकती है या किसी के भी जरूरत का जो कार्य है वो पूरा कर सकती है? बिल्कुल अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, अगर किसी को भोजन की आवश्यकता है तो कम्युनिटी किचन से उनको भोजन भेजा जाता है, अगर किसी को अनाज की व्यवस्था है, जरूरत है, उसके पास खाने के सामान नहीं है तो पुलिस के साथ ही नगर निगम के कर्मचारी और विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। अगर फौरी तौर पर उसको कोई ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस की टीमें हैं, उसके पास वाहन है बड़ी संख्या में। अगर किसी को मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर उसके पास वाहन उपलब्ध नहीं है तो उसको एम्बुलेंस भेजा जाएगा, पुलिस की गाड़ी भेजी जाएगी, ऐसी गाड़ियों को रिजर्व रखा गया है और पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अगर आपको कहीं से सहायता नहीं मिलती तो 112 नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी, जैसी जरूरत होगी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों को लगातार लगाया गया है, चाहे लोगों के घर राशन पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे फल और सब्जी की बात हो, दूध की बात हो, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वाहन लगाए गए हैं और पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। अगर कॉल किया जाता है, उससे सहायता मांगी जाती है,
तो जल्द से जल्द ये टीम वहाँ पे पहुँचेगी और उसको सहायता उपलब्ध करवाएगी और उसकी जांच भी की जाएगी कि आखिर इसके पास अब तक क्यों भोजन पानी नहीं पहुँचा, क्या कमी है। अगर कोई विभाग या अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल नरेंद्र, तो कभी भी किसी को कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत कॉल करके सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र आप पे दोबारा भी आपके साथ रुक करेंगे।